मुझे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत फक्र हो रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े, खुद दुखी होकर दूसरों को सुख दिया। आप देखना, एक ना एक दिन भगवान उन्हें इस अच्छाई का फल जरूर देगा। अब सिर्फ आप कुसुम को समझाइए, इतने दिनों के बाद जब खुशियां दरवाजा खटखटा रही है, उन्हें अपने गले लगा लें। मुझे अपने दोनों बेटियों की फिक्र नहीं है, अगर समझाने की जरूरत है तो अपने दोनों बेटों को। हेलो बाबा, बाबा आप कब आए? तुम कहां से बोल रही हो? अच्छी तो हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा मैं अभय के साथ अलीबाग में हूँ। अलीबाग से? हेलो बेटा। बेटा तुम वहीं रहना, जब तक जमानत के कागजात तैयार नहीं होते तुम यहाँ बिल्कुल मत आना। सरला जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो मजदूर लोग भी अभी अच्छे हैं। तुम चिंता मत करना। जी आई। अभय के साथ है, चिंता की कोई बात नहीं। Yes! Let's go! मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन अभय, मैं तो समझी थी कि हम ऐसी शादी करेंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। ओके लेट्स गो। तारों बस अग्नि को साक्षी रखते हुए तुम्हें कुसुम देशमुख को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं कुसुम देशमुख अभय कपूर को अपना पति मानती हूं। वचन देता हूं कि हम दोनों एक होकर भी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखें। आपके प्यार की पहचान ही मेरी पहचान होगी। मैं ये वचन देता हूं, कभी भी तुम्हारा पति होने का हक जताकर तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आपके हर फैसले में मैं आपके साथ रहकर आपको मान दूंगी। मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करूंगा और कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आपकी हर सांस पर मैं विश्वास करूंगी, आपकी हर बात को मैं सच मानूंगी। आपने तो मेरा विश्वास पहले से ही सदा के लिए जीत लिया है। आप पर आने वाली हर मुसीबत को मैं अपना लूंगी, उसका सामना करूंगी। मैं भी तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। हे भगवान, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने वचनों पर खरे उतरे।
के दिन दुल्हन का चेहरा ढका होना चाहिए। ठीक है जी, शाम का रख लेते हैं। सुरभि को लाइएगा। बाय जी। भाभी कंग्रेचुलेशंस। अशोक जी इतने एक्साइटेड हैं इस रिश्ते को लेकर, वो पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि उनकी बेटी के लिए विशाल से ज्यादा अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। निकिता, मैंने तुम्हें जोश में आकर कह तो दिया, मगर विशाल अगर शादी के लिए मना कर देगा तो? भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विशाल मना कर ही नहीं सकता है। बस एक बार सुरभि और विशाल को मिल लेने दीजिए, फिर देखना विशाल कैसे हमारे पीछे दौड़ा दौड़ा फिरेगा कि जल्दी शादी कराओ, जल्दी शादी कराओ। और वैसे भी विशाल इस वक्त ज्योति से नफरत करता है, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन निकिता, वो लड़की सुरभि अच्छी तो है ना? भाभी मैं क्या कोई ऐसी वैसी लड़की दिखाऊंगी अपने विशाल के लिए? और वैसे भी हाथ कंगन को आरसी क्या, आप शाम को खुद ही देख लेना। कितनी अजीब सी बात है, घर में बच्चे होते हुए भी सूना सूना सा लगता है। बड़ा मन करता है उज्जवल के साथ खेलने का। उज्जवल को देखे काफी दिन हो गए, मुझे तो आदत सी पड़ गई उसके बिना रहने की। कुसुम का फोन आया था, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है उसने। कौन सी खबर? कह रही थी विशाल अमेरिका से वापस आ गया है बिल्कुल ठीक होकर। मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गया है? हाँ, चलने फिरने लगा है और वो भी बिना सहारे के। ज्योति तो यही चाहती थी कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए और वो अपने मकसद में कामयाब होगी। उसे हमेशा विश्वास था कि विशाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुमित्रा, हो सकता है ज्योति अपने ससुराल चली जाए। ईश्वर बहुत दयालु है, किस्मत पलटते देर नहीं लगती। शशा, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? Thank you.
परेशान बेटा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? सब कुछ खत्म हो गया बाबा। अरे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, बताओ तो क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया है। जिस पार्टी को मैंने केमिकल्स अप्लाई किए थे वो पार्टी डूब गई, साथ में मेरे पैसे भी। लास्ट महीने के पेमेंट्स भी कैंसिल कर दिए, सब कुछ खत्म हो गया। मैं रास्ते पे आ गया, मुझे समझ में नहीं आता घर का इंस्टॉलमेंट। और फिर राजू का वेलिंगटन ने क्या कहा? उनके लिए हिंदुस्तानी शादी अब भी एक हैरत है, उनके तो समझ में नहीं आता। दो लोग बिना एक दूसरे से प्यार किए अपने माँ बाप के पसंद किए हुए पार्टनर के साथ शादी कैसे कर लेते हैं? तो मैंने कहा हमें देख लीजिए, हम 30 साल से हैप्पीली मैरिड हैं और हमारे माँ बाप 55 साल से। आप सबको हमारे विशु के बारे में सब पता तो है ना? देखिए ये शादी का मामला है और हम कुछ छुपाना नहीं चाहते। बिल्कुल पता है, निकिता ने हमें सब कुछ बता दिया है। निकिता तो मेरी छोटी बहन जैसी है, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं उस पर। विशाल तो अच्छा ही लड़का होगा। लव मैरिज में तो ज्यादातर डाइवोर्स ही होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जब सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो तो शादी बेमेल हो जाती है। ये छोटे घर की लड़कियाँ अपने प्यार के जाल में बड़े घर के लड़कों को फांस तो लेती हैं, लेकिन निभा नहीं पाती। और जब प्यार का इम्तिहान होता है तो वो दूसरे लड़कों के साथ भाग जाती है। निकिता मुझे सुर भी पसंद है। हाय विशु, तुम्हारी वेट हो रही थी, आओ ना यहाँ बैठो। बैठो ना। विशु ये है मिस्टर मित्तल। हेलो। सुरभि और मिसेस मित्तल और मेरा भाई विशाल। तो बेटा तुम्हारा फार्मास्यूटिकल का काम है? जी हाँ, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ओन करता हूँ, वीजे फार्मास्यूटिकल्स, विशाल ज्योति फार्मास्यूटिकल्स। ज्योति यानी तुम्हारी एक्स वाइफ? आप फिक्र मत करिए, बहुत जल्दी वीजे फार्मास्यूटिकल्स वीएस फार्मास्यूटिकल्स बन जाएगा। विशाल एंड सुरभि, यहाँ ऐसे मुंह लटका कर मत बैठो, हम लोग जो हैं। अरे बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। और वैसे भी अजीत अपना ऑफिस यहीं पर खोल रहा है, पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए तुम्हें कहीं और काम ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही अपना बिजनेस सेटअप करने में वक्त जाया करने की। तुम ही संभाल लेना यहाँ वाला ऑफिस, तुमसे बेहतर और कौन संभाल पाएगा? शशांक ये काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा, क्यों प्रियंका, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ पापा, शशांक पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्हें बिजनेस की देखरेख करने के लिए कोई मिल जाएगा और तुम्हें चमा चमाया काम। और क्या, घर का काम घर में ही रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और फिर शशांक बेटे हमें भी तो जरूरत है। क्यों ठीक कह रही हूँ ना मैं? इस बारे में मुझे बाबा से बात करना है। अनु, क्या तुमने ज्योति से कहा था कि मैं ठीक होकर वापस आ गया? एक्चुअली वो क्या है ना विशाल कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्योति भी तुम्हें देखना चाहती थी तो मैंने तुम्हें पता है ना क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, उसके बावजूद तुमने उसे बता दिया? This is just please may I come in sir? Come in. Just not done. तुम? मुझे इसी दिन का इंतजार था सर कि कब आप पूरी तरह अच्छे हो जाएं और यूं अपने पैरों पर चल सके। I'm very happy, sir.
तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है अजय? और तुम्हें बताया किसने कि मैं ठीक हो गया हूं? सर शायद आप भूल रहे हैं कि कोई भी जानकारी को हासिल करने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है। अक्षय अब तुम्हें क्या चाहिए? सर मुझे बस आपका थोड़ा सा कीमती वक्त चाहिए। अच्छा तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारी शक्ल से कितनी नफरत है। आज आप प्लीज मुझे टॉलरेट कर लीजिए किसी भी तरह। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा आपको अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। इट्स द रिक्वेस्ट सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। बोलो क्या बात है? यहाँ पर नहीं सर, कोई ऐसी जगह जहां पर हम अकेले हों। वो जो परछाइयां आपने पूना के होटल रूम में देखी थी वो और किसी की नहीं थी बल्कि इनकी थी, मिस्टर एंड मिसेस रस्तो। हम सुन रहे हैं, ज्योति जी ने हमें ये करने के लिए बुलाया था। हो जाती थी कि आपका शक यकीन में बदल जाए। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, हम लोग यही गुजारिश करने आए थे आपसे। सर अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो मैंने किया है। तो फिर उस दिन मेरे परिवार के सामने चुप क्यों बैठे तुम? मुझे ज्योति जी ने मना किया था। मना किया क्यों? इतनी बड़ी बदनामी का बोझ वो अपने सर पर क्यों लेना चाहती थी? अक्षय क्यों इस तरह घर छोड़कर चली गई? आखिर चाहती क्या थी वो? वो इसी तरह आपको चलता फिरता देखना चाहती थी सर। वो आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाना चाहती थी ताकि आप ये समझ ले कि उन्होंने आपको इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आप एक अपाहिज हैं। शायद उनका सोचना ही सही था। इसलिए देखा जाए सर, ज्योति जी के ठुकराए जाने के बाद ही तो आपने अपनी ट्रीटमेंट का फैसला किया सर। और इतना ही नहीं, उस अमेरिकन डॉक्टर का ईमेल एड्रेस अन्नु को ज्योति जी ने ही दिया था। ऐसा क्यों किया ज्योति? Why did she do this? ज्योति जी का यह कहना था कि जो काम प्यार कभी कभी नहीं कर पाता है वो नफरत आसानी से कर जाता है, और खुद को आपकी नजरों में गिराकर उन्होंने इस शख्स साबित कर दिया। अब ज्योति कहाँ है? आशा जी के घर पर पेइंग गेस्ट है, मैं बस इतना ही जानता हूं। उस दिन के बाद मैं ज्योति जी से कभी नहीं मिला। सर मैं आज आपसे यहां मिलने आ रहा हूं ये उन्हें भी नहीं पता। मेरे मन पर एक बोझ था, मैं बस उसे हल्का करना चाहता था। और आज जब आप पूरी तरह ठीक हो गए, मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको आकर सब कुछ साफ साफ बता दूं। देखिए सर, मैं बस यही चाहता हूं कि आप ज्योति जी को माफ कर दीजिए। नहीं अक्षय, सवाल ये नहीं है कि मैं ज्योति को माफ कर पाऊंगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या ज्योति मुझे माफ कर पाएगी।